और भाई यहाँ पे अपने को मिल चुके हैं भाई कुछ लोग जो कि भाई देख सकते हो। एंड भाई कब से भाई मैं देखे जा रहा हूँ यहाँ पे कि रात में डिलीवरी मार दो पूरा पूरा रात। बाप रे, चलता है मिलता है डिलीवरी का ऑर्डर। ओके भाई, भाई क्या हो गया, चलो आगे यार। भाई बंदा क्या कर रहा है यार। लेकिन एक सेकंड बोलो जुबा केसरी। मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली अपने यहाँ पर गाड़ी भाई रेडी है जो कि भाई इसकी लाइटिंग वगैरह देख सकते हो सामने। वाह भाई क्या ही लुक दिख रहा है ना इसका यार। एंड अभी भाई अपन यहाँ से सीधा निकलते हैं संडे राइड पे। तो भाई फाइनली अभी मैं निकलता हूँ, चलो गणपति बप्पा मोरिया। सो गाइस अभी अपन है धारावी 64 रोड के यहाँ पे। एंड अभी अपन सीधा पहले चलते हैं पेट्रोल फ्यूलिंग करने के लिए, बिकॉज पेट्रोल दो ही कांडी है इसमें। एंड मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा अभी लॉन्ग राइड पे, तो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना हो इसीलिए सबसे पहले अपन फ्यूलिंग करा लेंगे एंड चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे सीधा। और भाई यहाँ पे अपने को मिल चुके हैं भाई कुछ लोग जो कि भाई देख सकते हो। एंड भाई कब से भाई मैं देखे जा रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ वो जो पीछे लड़के लोग हैं ना विदाउट हेलमेट ट्रिपल सीट पे जा रहे और भाई मेरे को देख के ना अलग अलग आवाज़ निकाल रहे भाई, चिल्ला रहे। मैं बोला भाई आवाज़ कहाँ से आ रही भाई, देखा तो भाई छपरी लोग। मैं बोला वाह, ओह भाई साहब भाई पेट्रोल पंप कोई है नहीं है, मे भी है बट यहाँ से अपन देखते हैं भाई। है नहीं क्या, वही तो पूछ रहा हूँ यार मैं कब से, बता दो आगे कहाँ पर है भाई। सामने, अरे हाँ यार बट सामने में जाओगे आगे से मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। ओके सामने है भाई अपना एचपी वाला पेट्रोल पंप। तो यार मैं इतना घूम के क्यों आया यार, मैं यहीं से आ जाता था साइंस स्टेशन के यहाँ से। ओ भाई तो भाई अपन पहले से ना भाई कोई यू टर्न ले लेते यार। ओके बाइकर्स के लिए कहाँ पर है, मैं भी ये है। चालू है पेट्रोल पेट्रोल, मैंने गूगल पे चाहिए भाई। और 500 डन। एंड गाइस अगर आप साइंस स्टेशन के आगे आके लेफ्ट लोगे तो ये जो रोड पड़ेगा आपको ब्रिज के नीचे वाला, यहाँ पर ना भाई भूल के भी स्पीड में मत जाना बिकॉज इतना बेकार रास्ता है ना यहाँ पर। क्या बताओ अभी तो अंधेरा है इसीलिए दिख रहा नहीं है बट बहुत बेकार रास्ता है, तो मेक श्योर आप यहाँ पर भी स्लो ही राइड करो। एंड अभी अपन आ गए हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, इसी हाईवे को अपन कंटिन्यू करते हुए अपने राइड पे जाएंगे। भाई जोमेटो वाले को देखो भाई, ब्रो रात में डिलीवरी मार दो पूरा पूरा रात। बाप रे, चलता है मिलता है डिलीवरी का ऑर्डर। ओके भाई चलो भाई मानना पड़ेगा भाई जोमेटो वाले को भी भाई, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली डिलीवरी के तो मतलब डिलीवरी काम तो हम भी किए यार एंड अभी भी अपना चालू ही है बट मतलब रात के टाइम पे यार मतलब
डिलीवरी मारना है एंड क्या बोलूँ यार, रात भर वो बेचारा इंसान जागता है एंड डिलीवरी वगैरह मारता है, एंड फिर भी बहुत सारे पब्लिक ऐसी है ना भाई कि जो सपोर्ट नहीं करते एंड मतलब मिसबिहेवियर करते यार, तो ये सब चीज़ें बंद करो भाई। संडे नाइट पे ना एक्चुअली यही सब प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े जो व्हीकल्स है ना ये यहाँ पर चलते हैं। एक्चुअली संडे के लिए ही नहीं निकलते सिर्फ, ये इनका हमेशा का है जो कि मतलब रात को 8 से लेकर सुबह के 6 की 8 तक का समथिंग है बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह यहाँ पर निकलते हैं। बट उस समय दिक्कत क्या होती है यार, जब बड़े बड़े ट्रक्स चलते ना यार एंड इससे मिट्टी वगैरह कुछ ज़्यादा ही उड़ते हैं एंड पूरा आँखों में लगते हैं उसमें, तो इसके लिए मैं तो फिर फुल वाइजर मेरा बंद करके रखा हूँ। एंड भाई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का रोड है ना यार अभी तक ना मतलब डेवलप नहीं किया है, मतलब कहीं कहीं ठीक है कहीं कहीं पे ठीक नहीं है। एंड राइट साइड में देखो यार मतलब ब्रिज के ऊपर पूरा गुलाबी गुलाबी करके रखा है यार डिज़ाइन। एंड अभी अपन वो रूट पे है, अगर यहाँ से अपन राइट टर्न लेंगे ना आगे से ब्रिज के नीचे से तो अपने को वाशी का ब्रिज मिल जाएगा एंड वहाँ से आप लोनावला जा सकते हो, और जो हम स्ट्रेट जा रहे हैं ना यहाँ से भी आप लोनावला जा सकते हो, बट आपको एरोली का ब्रिज मारना पड़ेगा। ओ भाई क्या ही रोड है भाई, क्या हो गया, चलो आगे यार। भाई बंदा क्या कर रहा है यार, भाई क्या कर, वाह वो भाई साहब पीछे तंबाकू खाते बैठे का छोड़ के भाई हाईवे पे। बोलो जुबा केसरी क्या बोलने का यार, सेफली राइड करना चाहिए एक्चुअली। एंड भाई ये कचरे की गाड़ी वाले को तो देखो जरा भाई, मतलब यार अचानक से लेफ्ट में आ गया एंड देखो अभी क्या बोलने का। ये गाइस जो बड़े बड़े लॉरी है ना ये सबका यही तो टेंशन रहता है भाई यहाँ पे। एंड ये जो ट्रक्स वगैरह है ना ये तो चलो अपने जो भी डेस्टिनेशन रहेगा वहाँ पे जा रहे रहेंगे आउट ऑफ मुंबई, ये जो कचरे की गाड़ियाँ है ये एक्चुअली जा रहे हैं डंपिंग यार्ड में जो कि भाई एरोली में है बिगेस्ट बड़ा डंपिंग यार्ड है। ओ भाई ये देखो भाई यहाँ पर पूरा काम काम चालू है भाई, अचानक भयानक में क्या ही यहाँ पे भाई रोड बंद करके रखा है यार इन लोग ने। एंड भाई मतलब ये दूर से यार रिफ्लेक्टर थोड़ी है यार, दूर से दिख रहा भी नहीं था एंड वो दोनों कार वाले अचानक से लेफ्ट टर्न ले लिए। मैं बोला क्या सीन हो गया भाई, अब मालूम पड़ा कि यहाँ पे पूरे के पूरे रास्ते में कुछ तो बैरिकेड लगा रखे हैं। एंड क्यों लगा के रखे नो आइडिया, कुछ तो काम चल रहा होगा वैसे। यहाँ पे बीच पे देख सकते हो यार मतलब अपना इंडियन फ्लैग का कलर यार क्या ही डेकोरेट करके रखा है, मतलब ऑसम लग रहा है, नेक्स्ट लेवल लग रहा है यार ये तो। और भाई मतलब दूर से दिखने में भी ना क्या मस्त दिख रहा है यार अपने इंडिया का वाला कलर, वाह। ओ भाई भाई क्या ही यार, मैं समझ ही नहीं पाता यार, मतलब ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आ रही है एंड यहाँ के रोड देखो मतलब इतने बेकार बना के रखे ना। ईस्टर्न क्या यार, मैं तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे भी गया हूँ, वो जो हायाबुसा वाला ब्लॉग आप लोग ने देखा रहेगा उसमें भाई मैंने बोला है, मतलब क्या ही यार ये रोड है यार, थोड़ा बहुत डेवलप तो करना चाहिए, ये तक का फिर भी ठीक है। सो गाइस यहाँ का भाई व्यू देख सकते हैं यार, चेक दिस साइड, सामने पूरा का पूरा रोड खाली है यार। एंड अभी का जो टाइम हो रहा है ना भाई वो हो रहा है 4, ओ शिट 4 बज गए, मेरे को 4:30 तक मेरे लोकेशन तक आप पहुँचने गए। ओ भाई चलते भाई सीधा अभी अपन। तो गाइस अभी अपन है टोल नाका के यहाँ पर एंड भाई मतलब है अच्छा है कि भाई बाइकर्स लोग के लिए अलग से लेन है तो अपन भी अपने में बाइक वाले लेन से होके जा रहे हैं, आगे से इसमें अपन मर्ज कर लेंगे। वाह यहाँ से कर लूँ क्या, नहीं आगे से करता चलो, अरे यार यहाँ से भी ऑप्शन था वैसे, कोई बात नहीं आगे से कर लेंगे। एंड अगर आप लोग को पता होगा तो यहाँ पर ही मुझे पुलिस ने पकड़ा था, तो भाई क्या सीन था यार उस टाइम का, मतलब मुझे 3-3 बार यार उन लोग ने रुकाया था यार, मतलब 3-3 बार यहाँ से अपन निकलते भाई। ओके भाई रास्ता देख लो यार क्या ही है भाई, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का रास्ता है यार एंड थोड़ा बहुत तो भाई हॉन्टेड तो दिख ही रहा है।
और भाई चलो, मैंने एक्चुअली, ओ भाई मेरे को अभी याद आया कि मैंने तो इंट्रो दिया ही नहीं, तो अभी दे देते। सो हियर इज योर सीवी कैरेक्टर 007, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस, एंड आई होप कि आपको डेली व्लॉग भी पसंद आ रहा होगा। तो भाई अपना जो प्लान था ये वाला, मैंने जो बताया कि संडे राइड है, जो कि अपन अभी संडे राइड पर निकले, एंड सोलो राइड है अपना ये, अपने टीम में अभी कोई नहीं है, एंड अगर आगे जाके ज्वाइन हुए तो ठीक है, बट स्टिल। एंड अभी अपन है एरोली ब्रिज के यहाँ पर, जो कि भाई अगर ब्रिज के नीचे से आप जाके लेफ्ट लोगे तो आपको भांडू, नाहूर, वो सब एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई मतलब आप ना कभी भी एक्सपीरियंस करना है ये चीज़ कि आप जब भी ये एरोली के साइड में आओगे ना, आपको ना स्मेल आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना बिगेस्ट डंपिंग यार्ड है, उसका जो इमेज रहेगा ना वो मैं यहाँ पर आपको देखो दिखा दूंगा। तो ये पूरा डंपिंग यार्ड है, इसीलिए यहाँ पे ना स्मेल आते रहता है, तो आप कभी एक्सपीरियंस करना ये चीज़, एंड अगर किए हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। गाइस शाम का सॉरी गाइस सामने का लोकेशन चेक कर सकते हो यार, क्या ही दिख रहा है ना, वाह। एंड अपना भाई जो इंडियन फ्लैग का कलर है ना यार, वो आप ऐसा देखो मतलब नेक्स्ट लेवल दिखता है यार, सब कलर फीके पड़ेंगे भाई अपने इंडियन फ्लैग के सामने। ओ भाई भाई ये रास्ते ना भाई इतने बेकार है ना यार, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ये वाइजर पहले बंद कर लेता है यार, बिकॉज जो बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे ना, ओ भाई ये ट्रक्स के वजह से पूरे मिट्टी वगैरह उड़ रहे हैं। एंड यार मतलब यहाँ का जो मेरे को यार ब्रिज है ना वो बहुत अच्छा लगा यार, बिकॉज यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी प्रॉपर है, एंड साइड साइड में लोग ने पोल पर भी लाइट लगा के रखा है, तो भाई मस्त दिख रहा है। एंड भाई मेरा गोप्रो का थोड़ा एक्चुअली हेलमेट है ना हैवी है, थोड़ा बार बार ना भाई नीचे नीचे जा रहा है, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि प्रॉपर एंगल में मैं इसको रखूँ। ओ भाई वाओ। सो गाइस मैं एक्चुअली चेक कर रहा था कि मैं लोकेशन से भटक तो नहीं गया ना, बट सही है, बिकॉज मतलब कैसे है ना एक्चुअली अपन यहाँ पे बार बार आते नहीं है ना, तो अपने को इतना याद नहीं है। ओके तो ये वाला ब्रिज अपने को लेने आए अभी यार, ये अच्छा है कि ज़्यादा गाड़ी नहीं है यहाँ पे। सो गाइस अभी अपन अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, ऑटो यहाँ पे खड़ी है, देखो राइट साइड में देखो क्या ग्रीन ग्रीन करके रखा है यार, एंड यहाँ पे भी काम वगैरह चालू ही है। एक्चुअली जो ब्रिजेस के काम वगैरह है ना ये रात में ही होते हैं ज़्यादातर, बिकॉज ऑफ दिन में तो पता ही अपने मुंबई में ट्रैफिक कितना रहता है, उसके चलते यहाँ पर दिन में काम जल्दी हो नहीं पाता है, तो इसीलिए पूरा रात को ही काम करके ले लेते हैं लोग। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।